अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तवा चिकन। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो हमने बोनलेस चिकन लिया है, इसे एक इंच के पीस में काट के रखा है। दो टमाटर लिए हैं, इसका बीज निकाल लेंगे हम टमाटर का। सात हरी मिर्च है, कोथमीर है और चार कांदा लिया है हमने, जिसका हमने स्लाइस काट के रख लिए हैं। तीन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक, एक टीस्पून तंदूरी मसाला, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हमने चिकन को धो लिया था और धो के उसे स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम इसमें जिंजर का अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, एक नींबू का जूस डाल लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लेंगे। हमने आयरन तवा लिया है, इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। हम आधा कांदा लेंगे और आधा स्लाइस्ड ऑनियन ऐसे ही रख देंगे। इसे हमें फ्राई कर लेना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, आपको इसका ध्यान देना है। इसमें हम चॉप्ड हरी मिर्च डाल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे। कोथमीर डाल लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब चिकन डाल लेंगे, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटर के हमने बीज निकाल लिए हैं, इसे चॉप करके रखा था। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें आप। अब हम तंदूरी मसाला, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम पका रहे हैं इसे। अब बचा हुआ हमने जो स्लाइस्ड ऑनियन रखा था वो भी डाल लेंगे। अब हम इसे ढक के लो फ्लेम पे पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा पानी छूटने लगा है, इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। देखिए टमाटर और कांदा गल चुका है इसके अंदर, थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए इसीलिए हमने इसके अंदर ऐसा कांदा ऊपर से डाला था। कोथमीर डाल लेंगे, इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें आप। और 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसे पकाते रहेंगे। और इसे सर्व कीजिए गार्लिक नान के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।